दोस्तों सवाल आया है कि चावल में से पानी निकाल देने से, जब चावल बनाते हैं, राइस बनाते हैं, व्हेन यू बॉइल द राइस एंड टेक आउट द वाटर आफ्टर बॉइलिंग, सो उसमें से स्टार्च निकल जाता है क्या? उसके सारे न्यूट्रिएंट्स, मतलब मेनली कार्बोहाइड्रेट, फैट, सब आधे हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा हेल्दी हो जाता है, हाँ या ना? उसका क्या साइंस है, उसके पीछे क्या रीज़न है? तो दोस्तों इसका सवाल बहुत सिंपल है। दोस्तों राइस की न्यूट्रिशन वैल्यू अगर आप देखेंगे, चाहे ब्राउन राइस हो, चाहे किसी भी प्रकार का राइस हो, उसकी जो भी न्यूट्रिशियस वैल्यू है, उसमें जितना भी कार्बोहाइड्रेट है, जितना भी प्रोटीन है, जितना भी फैट है, वो जब आप पका लेते हैं, किसी भी तरीके से आप पकाते हैं, तो वो पूरा लेवल्स उसके आधे से कम हो जाते हैं पकाने पर ही। अब वो जब बॉईल करने के बाद जब आप उसमें से पानी निकाल देते हैं, तो वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, उसमें से पानी निकल जाता है। उसको पका लेने भर से ही जितना उड़ जाता है, सो उसका जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो आधी हो जाती है। इसको आप खुद देख सकते हैं, आप calorielabs.com पे या किसी भी रिस्पेक्टेड वेबसाइट पे जाके बॉइल्ड राइस, रॉ राइस और इसके न्यूट्रिशियस वैल्यू देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। पानी निकाल देने से राइस ड्राई हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और ड्राई जैसे स्पॉन्ज में से पानी निकल जाता है, स्पॉन्ज हल्का फील होता है, ड्राई फील होता है, लेकिन स्पॉन्ज की अंदर के जो उसका जो कंपोनेंट है वो थोड़ी ख़त्म हो गया। उसमें पानी आ जाने से वो भारी हो जाता है, मतलब वो हैवी हो गया, मतलब वो खाने से हैवी नहीं होगा। सो राइस के अंदर जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो सेम रहती है, सिर्फ बॉईल करके पानी निकाल देने से कुछ नहीं होगा, कोई मेजर फर्क नहीं पड़ेगा, 1-2% का फर्क पड़ सकता है, दैट्स इररिलेवेंट। सो बॉईल करके पानी निकाल देना इज नॉट समथिंग हेल्दी। ईटिंग लेस राइस is rather healthy. Yes, rice is okay, it's very good. Protein भी है, carbohydrate भी है, लेकिन सिर्फ बहुत ज़्यादा राइस खाने से ना वजन कम होगा ना कुछ। I hope you're getting my point. तो इसको जाके confirm कर सकते हैं, do your own research. According to my research, ये इसका concept है।